तो जनवरी होने वाला है खत्म, और बहुत सारे स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन अभी भी लॉन्च हो रहे हैं। अभी कुछ दिन बाकी है जनवरी खत्म होने में, तो उसके बीच में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्मार्टफोन के बारे में जो लॉन्च होंगे फेब्रुवरी मंथ। तो कुछ स्मार्टफोन की मैंने लिस्ट निकाली है, तो उन स्मार्टफोन के बारे में हम बात करेंगे कि उनमें हमें क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, कौन सी प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होंगे, क्या अगर हम स्मार्टफोन परचेस करने वाले तो क्या हम इन्हें परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं Realme X7 Pro की। तो जैसे कि आप जानते हैं चाइना में X7 एंड X7 Pro लॉन्च हो चुके हैं, तो अगले महीने इंडिया में भी लॉन्च हो सकते हैं। इसमें हमें 6.55 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ ही में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और इसमें हमें Dimensity 1000 प्लस का 5G चिपसेट देखने को मिलेगा जो की 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। अगर हम बात करें इसके रैम वेरियंट की, तो इसमें हमें 6 128 8 128 एंड 8 256, ऐसे तीन रैम वेरियंट देखने को मिलते हैं। हम बात करें कैमरा सेक्शन की, तो हमें इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 64+8+2+2। अगर हम बात करें सेल्फी की, तो हमें सिंगल सेल्फी देखने को मिलती है 32 मेगापिक्सल। अब सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को कैसे भूल सकते हैं, तो इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बैटरी की, तो हमें इसमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और साथ में 65W का सुपर डार्ट चार्जर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, चाइना की प्राइस को अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें, तो ये होती है अराउंड 25,000 की, तो इंडिया में लगभग 26-27,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं Realme X7 Pro के छोटे भाई Realme X7 की, तो इसमें हमें 6.4 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब इसमें हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलता, शायद से हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी AMOLED पैनल है तो चलता है, कम से कम 90 हर्ट्ज तो होना चाहिए था। इसमें हमें Dimensity 800U प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 5G चिपसेट है और 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस है। अगर हम बात करें रैम वेरिएंट की, तो हमें 6+128 एंड 8+128 रैम वेरिएंट इसमें देखने को मिलता है। बात करें कैमरा सेक्शन की, तो Realme X7 Pro की तरह इसमें भी हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 64+8+2+2। सेल्फी की बात करें, तो सेम यहाँ भी हमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट की, अब AMOLED डिस्प्ले, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो होगा ही। अगर हम बात करें बैटरी की, तो 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और X7 Pro की तरह हमें 65W का चार्जर देखने को मिलता है। हम बात करें इसकी प्राइस, तो चाइना में 20,000 के अराउंड लॉन्च हुआ था, अब इंडिया में 21 या फिर 22,000 के अराउंड आ सकता है। अब बात करते हैं सैमसंग के स्मार्टफोन की, तो सैमसंग गैलेक्सी A52 अगले महीने लॉन्च हो सकता है, जिसमें हमें 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। आप सैमसंग का स्मार्टफोन है, तो सुपर एमोलेड स्क्रीन तो होगी। अब बात करते हैं प्रोसेसर, ज्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि सैमसंग के स्मार्टफोन में वो खुद के चिपसेट का इस्तेमाल करते हैं एक्सिनोस की, लेकिन इसमें हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि है स्नैपड्रैगन का 750G 5G चिपसेट, तो इसमें हमें 5G देखने को मिले, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस है। बात करें रैम वेरिएंट की, तो हमें इसमें दो रैम वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6+128 एंड 8+128। इसमें भी हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन जो प्राइमरी सेंसर है वो हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाए। और बात करें फिंगरप्रिंट की, तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें हमें देखने को मिलता है। बैटरी के बारे में कुछ पता नहीं चला, बैटरी और चार्जर के बारे में पता नहीं चला, लेकिन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और हमेशा सैमसंग बड़ी बैटरी देता है, 5000 की तो होगी। हम बात करें गैलेक्सी A52 के प्राइस की, तो ये 20,000 के अराउंड इंडिया में लॉन्च हो सकता है। अब अगला जो स्मार्टफोन, वो शाओमी का एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, तो इसकी बहुत चर्चा हो रही है चाइना में, चाइना के लॉन्च के बाद इंडिया में भी इसकी बहुत चर्चा। स्मार्टफोन है शाओमी मी 11। अब इसमें हमें 6.81 इंचेस का एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ा डिस्प्ले, और ये एक 2K डिस्प्ले। इसमें हमें HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है, और साथ ही में हमें 120Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसमें हमें 1500 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। अब फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, तो कोई प्रोसेसर भी फ्लैगशिप ही हो, तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि है स्नैपड्रैगन 888
5G और 5 nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। हमें 3 रैम वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8/128, 8/256 एंड 12/256। अगर हम बात करें कैमरा सेक्शन की तो इसमें हमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है बैक में, जिसका जो प्राइमरी सेंसर है वो 108 मेगापिक्सल का। दो कैमरा हमें 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें सेल्फी की तो इसमें हमें 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है और ये स्मार्टफोन 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 30 fps में। अब सुपर एमोलेड स्क्रीन है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को भूल नहीं सकते और फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो हमें इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। बात करें बैटरी पर 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलता है। साथ में 55 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। इसमें वायरलेस चार्जिंग का 50 वॉट का सपोर्ट दिया गया है, रिवर्स चार्जिंग का 10 वॉट का सपोर्ट दिया गया है। अगर हम बात करें Xiaomi Mi 11 की प्राइस कितनी होगी तो शायद से 45,000 के अराउंड हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं OnePlus के स्मार्टफोन की तो OnePlus Nord N10 जो है बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च हो सकता है, जिसमें हमें 6.49 इंचेस का IPS डिस्प्ले देख, लेकिन साथ में हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। इसमें हमें Snapdragon का 690 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 5G प्रोसेसर है जो कि 8 nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो अभी तो हमें सिर्फ एक ही रैम वेरिएंट के बारे में पता चला है, वो है 6128। अगर हम बात करें कैमरा की तो इसमें हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 64+8+2+2। और अगर हम बात करें तो हमें इसमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। तो हमें रेयर में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बैटरी की तो 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ में 30 वॉट का चार्जर दिया है। अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो ये 20,000 के अराउंड हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं Realme के नंबर सीरीज की, Realme 8 एंड 8 Pro। तो सबसे पहले बात करते हैं 8 Pro की। 8 Pro में हमें 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इसमें हमें Snapdragon का 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 4G चिपसेट है। तो स्मार्टफोन में हमें 5G नहीं देखने को मिलेगा। अभी तक मैंने जो लिस्ट में स्मार्टफोन बताया वो सब 5G थे, लेकिन Realme की जो है नंबर सीरीज है वो 4G है। शायद से उन्होंने ये सोचा होगा कि इंडिया में अभी 5G अवेलेबल नहीं है, तो 5 नंबर सीरीज में अभी 5G लाके कोई फायदा नहीं है। हम बात करें कैमरा की तो Realme के नंबर सीरीज में क्वाड कैमरा सेटअप रहता है, तो इसमें भी हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 64+8+2+2। बात करें सेल्फी की तो हमें इसमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। अब AMOLED डिस्प्ले है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ में 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर देखने को मिलता है। बात करें प्राइस की तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन 20,000 के अराउंड लॉन्च हो सकता है। अब बात करते हैं इसके छोटे भाई Realme 8। तो इसमें हमें 6.5 इंचेस का IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब इसमें भी MediaTek का प्रोसेसर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा प्रोसेसर होने वाला है। इसमें हमें 8+128 का रैम वेरिएंट देखने को मिलता है, तो हमें 6GB वाला भी वेरिएंट देखने को मिल सकता है। कैमरा हमें इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 64+8+2+2। सेल्फी हमें 16 मेगापिक्सल की देखने को मिलती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। बात करें बैटरी की तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 30 वॉट के चार्जर के साथ। अगर बात करें इसकी प्राइस की तो ये 15,000 के अराउंड हो सकता है। अब अगला जो स्मार्टफोन है वो भी Realme का है, Realme V5। तो इसमें हमें 6.5 इंचेस का IPS पैनल देखने को मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। हमें MediaTek का Dimensity 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 5G चिपसेट है। अगर हम बात करें रैम वेरिएंट की तो हमें 6+128, 8+128 रैम वेरिएंट देखने को मिलता है। तो हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 48+8+2+2। और अगर हम बात करें सेल्फी की तो इसमें हमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ में 30 वॉट का चार्जर दिया गया है। अब बात करें इसके प्राइस की तो ये 16,000 के अराउंड हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं उस स्मार्टफोन के बारे में जो लॉन्च तो हुआ चाइना में, लेकिन उसकी चर्चा बहुत हुई इंडिया में। मैं बात कर रहा हूँ Realme V15 की। शायद से बहुत सारे लोग V15 का इंतजार कर रहे हैं, तो अगर आप भी V15 का इंतजार कर रहे हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो नजर डालते हैं इसके स्पेक पे। तो इसमें हमें 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। Dimensity 800U प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 5G चिपसेट है, 7 nm पे बेस है। और जिस प्राइस में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ चाइना में, उस प्राइस रेंज में ये सबसे बेस्ट प्रोसेसर माना जाता है।
अगर हम बात करें रैम वेरिएंट की तो हमें 6+128 एंड 8+128 रैम वेरिएंट देखने को मिलता है। इसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 64+8+2। अगर हम बात करें सेल्फी की तो हमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। अब सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो होगा, तो इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं कि सुपर एमोलेड स्क्रीन है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, इसे कुछ कंपनीज देते नहीं अपने स्मार्टफोन में जो बजट में होते हैं, तो सैमसंग ज्यादातर ऐसा करता है। इसमें हमें 4310 एमएएच की बैटरी देखने को मिलती है, साथ में 50 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो ये 15,000 से 17,000 के बीच में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। अगर इस बीच में लॉन्च होता है तो बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन कहलाएगा ये, क्योंकि इसमें हमें सुपर एमोलेड स्क्रीन, प्रोसेसर अच्छा देखने को मिलता है, कैमरा अच्छा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, पंच होल स्क्रीन के साथ ये स्मार्टफोन आता है। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन जो फरवरी में लॉन्च होने वाले। अभी भी बहुत सारे स्मार्टफोन फरवरी में लॉन्च होने वाले, हमने लिस्ट में सिर्फ गिने चुने स्मार्टफोन को ही लिया। अगर सारे स्मार्टफोन को लेंगे तो लिस्ट बहुत बड़ी होगी। और जिन स्मार्टफोन के बारे में हमने इस वीडियो में बात किया और जिस प्राइस रेंज में वो लॉन्च होने वाले, अगर उससे थोड़ा कम प्राइस में लॉन्च होते तो बहुत बढ़िया बात होगी। बहुत सी यूजर इंटरेस्ट दिखाएंगे उस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में।